हेलो गाइस, मैं ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोर्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेल्स पेल्सी के बारे में। दोस्तों, इसको आम भाषा में फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं गांव में, या फिर आम भाषा में इसको लकवा भी बोलते हैं, जो चेहरे की एक साइड में हो जाता है। ये राइट साइड में हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या कंडीशन है इनकी और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप पहले पेशेंट को देख लीजिए। मुंह खोलो। हाँ, खुलने में या तो तीन है जी दिक्कत है तुम्हारी। खुलने में दिक्कत हो रही है? आँखें बंद करो। आँख नहीं बंद हो रही है। बाकी इतना जो तुम्हारा चेहरा है वो भी इतना वो टेढ़ा नहीं लग रहा है। बहुत लोगों का ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, शुरुआती है। तुम्हारा मुंह भी पूरा खुल रहा है, सिर्फ पलक वाली दिक्कत जो है। बाकी इधर सोनापन तो नहीं मालूम देते? कुछ नहीं, जितना दर्द इधर है उतना दर्द है। अच्छा, बहुत लोगों को होता है जैसे सुन हो जाता है, हाँ, पता नहीं चलता चाहे कितने दाब दो, जितना इधर दाबोगे उतना इधर दाबो, उतने बराबर दर्द। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा इनको क्या प्रॉब्लम हुई है और कितने दिन से है। ज़्यादा दिन से नहीं है, इनको 3-4 दिन ही हुए हैं और इनकी जो आँख है वो बंद नहीं हो रही है एक साइड में। इनको जो पैरालिसिस है, जो फेशियल पैरालिसिस है, वो राइट साइड में है, जिसकी वजह से आपने देखा कि आँख जो राइट साइड की है वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो आईलिड है, जो पलकें हैं, वो बंद नहीं हो रही हैं। दोस्तों, जो बेल्स पेल्सी होता है, फेशियल पैरालिसिस होता है, इसकी यही खासियत होती है, ये चेहरे के एक साइड में ही होता है। ये राइट साइड हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जिस साइड में फेशियल पैरालिसिस होगा, उधर की जो मसल्स होती हैं, जो एक्टिविटी होती हैं चेहरे की, वो नहीं हो पाती हैं। जैसे होंठ का हिलाना, पलकों का बंद करना, गाल का हिलाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं हो पाती हैं। जो दोस्तों फेशियल नर्व्स होती हैं उनमें डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लोगों में आ जाती है। तो दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये किस वजह से होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, या फिर आप ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को बेल्स पेल्सी है, यानी कि फेशियल पैरालिसिस होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।